श्री रामचरित मानस पाठ भाग 288। संगीतकार हैं सतीश भाटिया और आप सुन रहे हैं इन दिनों सुंदरकांड। रावण की आज्ञा का अक्षरशः पालन हुआ, किंतु कपड़ा लपेटते घी तेल लगाते हनुमान की पूंछ लंबी होती गई। नगर के भंडार खाली हो गए। नगर में घुमा फिराकर जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान ने लघु रूप धारण किया और अटारियों पर जा चढ़े। 49 पवन चले, पवन पुत्र जैसे आकाश छू रहे हों। सारा नगर धू धू कर जल उठा। नगरवासियों में त्राही त्राही मच गई। पार्वती को ये कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जिन्होंने अग्नि की रचना की हनुमान उन्हीं के दूत थे, स्वयं उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उलट पलट कर हनुमान ने सारा नगर जला दिया और तब जाकर समुद्र में कूद पड़े। तत्पश्चात वे सीता के सम्मुख उपस्थित होते हैं। अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास कर गल जा कपि बढ़ी लाग आकाश। हरवाई मंदिर ते मंदिर चढ़खाई, जरई नगर भालो गबिहाला, छपट लपट बहु कोटि कराला। अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परापुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, खुरूप बहोरी जनक सुता के आगे, ठाढ़ भय कर जोरी। तुमोही दीजे कछु चिन्हा,
जैसे रघुनायक मोहितिन्हा सुतही समुझाय करी बहु विधि धीर जुदीन चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पहिकीन महाधुनि गर्ज सिभारी गर्भस्रव ही सुनि निश्चर नारी नागि सिंधु एहि पार ही आवा शब्द किली किला कपिन सुनावा अति भय सुखारी कलफत मीन पाव जीवी बारी चले हर्षि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहासा प्रहार अनत सब भाई
आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस पाठ भाग 288। संगीतकार थे सतीश भाटिया और आप सुन रहे हैं सुंदरकांड।